हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपको स्क्रिप्ट टास्क के बारे में बताती हूँ। अभी ये स्क्रिप्ट टास्क में मैं ये वीडियो में कैसा एक जीमेल में एक अटैचमेंट अटैच करके कैसे वो दूसरा जीमेल को डेटा ट्रांसफर करता है वो आज हम आपको दिखाते हैं। अभी ये स्क्रिप्ट टास्क में मैं एक नया SSIS पैकेज निकाल के ये SSIS टूल्स बॉक्स में मैं ये स्क्रिप्ट टास्क ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और उसके बाद इसमें डबल क्लिक किया तो हमको ये स्क्रिप्ट टास्क एडिटर के बारे ये आता है। यहाँ मैं आज कुछ वेरिएबल्स ऐड नहीं कर रही हूँ, रीड वेरिएबल्स और राइट वेरिएबल्स को कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पूरा हार्ड कोड कर रही हूँ, लाइक यूज़र आईडी, पासवर्ड, सब में सब्जेक्ट क्या क्या है वो सब में एडिटर में ही वो उसमें कोड में ही लिख रहा हूँ। वो कैसा लिखा है मैं ये सब कोड आपके आपको मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सब देती हूँ। अभी यहाँ तो अभी ये scriptmain.cs पेज तो ओपन हुआ है। यहाँ हम कुछ नेम स्पेसेस में कुछ दो मेल्स हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हम और मेल कर रहे हैं तो net.mail और नेट का ये दोनों नेम स्पेसेस को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ के ये क्लासेस को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, हमारा जो मेन में है ये पूरा कोड कुछ भी हम क्या 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 करना है वो सब हमको ये पब्लिक वर्ड मेन के बीच में ही ये सब कोड हमको लिखना पड़ेगा। अभी ये कोड सब मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों लोकल वेरिएबल्स को मैं यहाँ हार्ड कोड ही दिया है, मतलब मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नेम सी दे दिया है। तो अभी हम स्क्रिप्ट टेस्ट scis1123@gmail.com से हम ईमेल को भेज रहा है, दूसरा ईमेल को भेज रहा है विद ओ अटैचमेंट को अटैच करके। इसलिए अभी हमें यहाँ एक क्लाइंट तो क्रिएट किया है, वो क्लाइंट में मैं होस्ट, पोर्ट और ये सब डिटेल्स में दिया है और उसके बाद वो नेटवर्क क्रेडेंशियल्स में क्या क्या देना पड़ेगा ने वो न्यू क्रेडेंशियल्स, वो माय क्रेडेंशियल्स का वेरिएबल क्रिएट किया है। ये नेटवर्क क्रेडेंशियल में यूजर नेम पासवर्ड का वो ये दोनों में पास किया है, उसके बाद उसका क्रेडेंशियल्स को किया है और उसके बाद मेल एड्रेस। तो यहाँ फ्रॉम एड्रेस क्या है, फ्रॉम एड्रेस को क्रिएट किया है जो है स्क्रिप्ट टेस्ट SSIS सब क्रिएट किया है और मेल मैसेज, यहाँ जो मेल मैसेज है न्यू मेल मैसेज तो क्रिएट कर रहा हूँ। उसके मैसेज के बाद फ्रॉम एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस क्या है और ऐड कौन से मेल को वो जाएगा, लाइक मतलब वो shreyansg4@gmail.com को ये स्क्रिप्ट और यहाँ से ये मेल आईडी को वो जाएगा और उसके बाद में उसके सब्जेक्ट क्या है सैम्पल SSIS स्क्रिप्ट एग्जाम्पल हो जाएगा और ये बॉडी क्या है, बॉडी दिस इज अ स्क्रिप्ट मेल, ये बॉडी आएगा और अटैचमेंट्स जो अटैचमेंट है वो सब ये अटैच हो जाएगा। तो ऐसा मैं एक स्मॉल कैसा एक मेल फ्रॉम एक मेल से लाइक स्क्रिप्ट टेस्ट SSIS मेल से scian.g4 को मेल में जाएगा वो ये कोडिंग सब लिखा है। तो ये सब मैं आपको नीचे दे देती हूँ। अभी इसको सेव करके उसके पास ओके हिट किया तो और अभी रन करने के बाद यहाँ ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें G4 के पास जाकर देखो न्यू मेल सैंपल SSIS स्क्रिप्ट एग्जाम्पल वो सब्जेक्ट आया है और उसके बाद ये बॉडी आ गया है तो विथ अटैचमेंट, तो अटैचमेंट भी ऐड हो गया। तो ऐसा सिंपल सा ये कैसा करते हैं, कैसा हमें वो सैंपल में मतलब ये स्क्रिप्ट टास्क यूज करके एक मेल से एक दूसरे मेल को कैसा भेजते हैं और क्या है, मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं
तो देखो अभी स्क्रिप्ट टेस्ट यहाँ ये जीमेल आईडी से वो shreyansh.g4shreyansh वो उसमें गया है। उसके क्या मतलब जो जिससे जा रहे हैं वो जीमेल में हम लेस सिक्योर ऐप एक्सेस को हमें ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो वो जीमेल तो एक्सेस नहीं होगा, हमको कुछ एरर आ रहा थे आएगा। तो अभी ऐसा कुछ ये ऑन कराया तो हमको कुछ एरर नहीं आ गया, इजी से मेल्स हो जाता है। वो मैं ये वीडियो में आपको ये सब एक्सप्लेन किया कैसा ये स्क्रिप्ट टास्क में कैसा हम एक में जीमेल से दूसरा जीमेल कैसा ट्रांसफर करते हैं, आपको ये एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू।